यानी क्या? सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो साधारण ब्याज यानी क्या? सिंपल इंटरेस्ट यानी क्या हो? जो बिल्कुल क्या हो, साधारण, वो क्या होता है आपका साधारण ब्याज होता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे हम, जैसे मान लो आपका प्रिंसिपल यानी जो आपका मूलधन है वो 10,000 रुपये, कितना है 10,000। जो आपकी दर है वो आपकी दर है 10%। जो आपका टाइम है वो कितना है 3 साल। मैं आपसे पूछता हूँ आपका साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? देखो साधारण ब्याज होता है आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी एक होता है साधारण ब्याज और एक आपको क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो देखो साधारण ब्याज का होता है जो हर साल का मिलेगा बराबर बराबर मिलता है। क्या मिलेगा हर साल? हर साल मिलेगा आपका बराबर बराबर। जैसे सपोज करो आपको एक साल में 10% मिल रहा है, एक साल में कितना मिल रहा है 10%, तो दो साल में कितना मिलेगा 20%, 30 साल में कितना मिलेगा 30%। यानी पहले साल 10, दूसरे साल 10 और तीसरे साल में क्या 10, तो आपको 3 साल में कितना परसेंट मिलेगा 30%। तो बस कुछ नहीं करना, तुमको 10,000 रुपये का 30% निकाल देना, तो क्या आएगा ये 3,000। ये आपका क्या होगा 3 साल का साधारण ब्याज होगा। या तुम ऐसे भी कर सकते हो, देखो अगर तुमसे पूछ लो कि 10% का मतलब क्या होता है, 10% क्या आएगा okay. तो क्या होगा इसका मतलब 1/10, यानी जो भी आपका धन है आपको उसका 1/10 हर साल मिल जाएगा। तो इसका 1/10 क्या होगा, इसका 1/10 क्या होगा 1,000। तुमको क्या करना है, इसका 10,000 का 1/10 यानी 10% कितना आएगा एक साल में, आपको एक साल में मिल रहा है 1,000। अगर एक साल में मिल रहा है 1,000 तो अगले साल में क्या मिलेगा 1,000, फिर क्या मिलेगा 1,000। तो पहले साल 1,000, फिर 1,000, फिर क्या फिर 1,000, तो 3 साल में तुमको कितना मिलेगा 3,000। तो आपका ब्याज क्या हो जाएगा 3 साल का 3,000 आपका ब्याज हो जाएगा। सपोज करो मैं इसको कहता हूँ 2.5 साल, कितना 2.5 वर्ष, कितना कहता हूँ 2.5 वर्ष। तो एक बात हो, तुमको एक साल में कितना मिल रहा है 10% पर एनम, तुमको एक साल में कितना मिल रहा है 10%, दूसरे साल में कितना मिलेगा 10। अब देखो अगर तीसरा साल पूरा हो तो 10% मिलता, पर तीसरे साल क्या हो गया आपका आधा हो गया, तो ब्याज भी क्या हो जाएगा आधा, यानी पहले साल 10, दूसरे साल 10 और तीसरे साल क्या मिलेगा 5%। तो तुमको 2.5 साल में कितना मिलेगा 25% मिलेगा। बस 10,000 का 25% वो निकाल देना, क्या होगा 2,500, ये आपको क्या होगा आंसर हो जाएगा। यानी कुछ नहीं करना, हर साल क्या होगा ब्याज क्या होता है सेम होता है। और उनसे बात करना है इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या। सो अगर तुमको इससे निकालना, इससे निकाल लो, तुम्हारा मूलधन कितना है यहाँ पे 10,000 है, तुम्हारी दर कितनी है यहाँ पे 10% है, टाइम कितना है 3 साल है, बटे में क्या जब भी कितना आएगा आपका 3,000 ही आएगा। ऐसे में कुछ ऐसा कर लो, ये भी इससे निकला है मूलधन है, दर की ओर से हमसे तो कर बस प्रोड्यूस करना रहता है ठीक है। और एक बात याद रखना, जब भी हम इसमें मूलधन या अगर हम प्रिंसिपल कुछ एज्यूम करेंगे, यानी जब भी हम इसमें इस प्रिंसिपल अमाउंट को एज्यूम करेंगे हमेशा हम इसको सो मानेंगे, क्या मानेंगे सो मानेंगे, लेट करेंगे हमेशा क्या सो, प्रिंसिपल गुणा दर गुणा समय बटे क्या सो। हम सो क्यों मानेंगे, ताकि क्या हो सो से सो कट जाए और आपका साधारण ब्याज क्या होगा दर गुणा टाइम पे क्या होगा गुणनफल होगा। बस समझ में आ गई, चलो देखो ये बस इसका इसमें इससे ज्यादा कुछ समझा पूछा भी नहीं। अब चलिए तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है, मान लो आपका जो प्रिंसिपल है वो आपका प्रिंसिपल है 2,000 रुपये, कितना है 2,000 है, जो आपका टाइम है वो आपका 18 माह, और जो आपकी दर है, आपकी दर है आपकी 6%। तो मैं पूछता हूँ कि साधारण ब्याज इसका क्या होगा, तो तुमसे एक बात बताओ 18 माह का मतलब क्या होता है, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं, अगर एक साल में 12 महीने होते तो आधे साल में कितने महीने होंगे 6, तो ये 12 और 6 तो लिखा 12 और 6 18 होता है, इसका मतलब क्या होता है ये 1.5 वर्ष लिखा है। अगर ये 1.5 वर्ष लिखा है तो इसने 1.5 वर्ष का ब्याज पूछा है, आपको एक साल में कितने परसेंट मिल रहा है 6% मिल रहा है, अगर एक साल में मिलना है 6, अगर दूसरे साल पूरा होता तो 6 ही तो मिलता, पर दूसरे साल क्या है आधा, तो ब्याज की दर भी क्या हो जाएगी आधा, यानी कितना मिलेगा 3, यानी कितना परसेंट मिलेगा तुमको 9%, तो डायरेक्ट निकाल दो 2,000 रुपये का 9%।
180 रुपये आपको क्या होगा 500 रुपये आएगा। मारिए अब इसे एक क्वेश्चन और देखो, देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ब्लैक बोर्ड पे। एक व्यक्ति ₹5,000 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लेता है, उसी दिन वह उस धन को 6.4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उधार दे देता है, तो उसका लाभ क्या हो गया क्वेश्चन। सही है, देखो मान लो मैंने मान लो इससे ₹5,000 4% से 2 वर्ष के लिए उधार लिए। अब तुम ये बताओ, अगर मैं ₹5,000 4% से 2 वर्षों के लिए उधार लिए तो मैंने एक साल में कितने परसेंट दे रहा हूँ? 4% दे रहा हूँ, तो मैं 2 साल में कितना दूंगा? 8% दूंगा। तो मैंने इसको 2 साल में कितना परसेंट दिया? 2 साल में मैंने इसको दिया 8%। अब जो सेम धन था ये 5,000 रुपए मैं किसी से उधार लिया, मैंने अगर मान लो इस बंदे को दे दिए, पर यहाँ पे दर मैंने क्या रखी 6.4, 6.4 मतलब क्या होता है 6.25%। मैंने लाया कितने पे? 4 रुपए। मैंने दिया कितने पे? 6.4, यानी क्या 6.25। अगर मेरे को एक साल में मिल रहा है 6.25, तो 2 साल मेरे को कितना मिलेगा? 12.5% मिलेगा। मैं कितना दे रहा हूँ इनको? 8%, और मुझे कितना आ रहा है? 12.5%। मेरा लाभ कितना है? 4.5% है, ये तो लाभ है। तो बस 5,000 का 4.5% लाभ कहाँ चल रहा है? इस पॉइंट से ये जीरो खत्म, इन दो जीरो से ये दो जीरो खत्म, तो 45 का डबल कितना होता है? 90, और 90 का डबल 180, और 180 और 45 225 रुपये का उसको लाभ होगा। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। आगे सर मैं आगे देखो, एक अगला क्वेश्चन है। एक किसान ने 12% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए ऋण उधार लिया, चार वर्ष बाद उसने 2,442 रुपये देकर पूरा ऋण चुका दिया, तो बताओ मूलधन क्या था? देखो अब वो मूलधन पूछ रहा है, मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी तुम कुछ एज्यूम करोगे या मानोगे, तुम हमेशा मैं तो क्या मानोगे? सो अब मैंने तुमसे कहा था, इसने ये पूछा कि मूलधन क्या होगा, तो मैंने तुमसे कहा था कि SI बराबर क्या होता है? PRT/100। जब भी तुम इस प्रिंसिपल को मानोगे, हमेशा क्या मानोगे? सो, ताकि सो से क्या हो, सो क्या हो, कट जाएगा, तुम्हारा साधारण ब्याज आपका हमेशा क्या आएगा? R/T। और आपकी यहाँ पे दर कितनी है? 4% है, और समय क्या आपका? 4। तो 4 साल का 12% वार्षिक दर से ब्याज आपका क्या होगा? 48 रुपए होगा। मान लो मैं किसान हूं, मैंने तुमसे 12% वार्षिक दर पर 4 वर्ष के लिए पैसा उधार लिया,
अगर मैंने 12% वर्ष से 4 वर्ष के लिए पैसा उधार लिया है तो मुझे नहीं पता कितना लिया है, पर मुझे जाना पता है कि मैंने उसको दिया कितना 4 साल बाद, मैंने उसको 4 साल बाद दिया है कितना 2442 रुपए। मान लो अगर मैं हर साल इसको 12% दे रहा हूँ, उसने दर बोलिए 12% का मतलब क्या होता है 12%, तुम परसेंट यहाँ से डालोगे नीचे क्या आएगा 100 रुपए, यानी तुम 100 रुपए पर हर वर्ष कितना दे रहे हो, यानी तुम 100 रुपए पर हर वर्ष कितना दे रहे हो 12 रुपए दे रहे हो। अगर तुम हर साल 12 रुपए दे रहे हो 4 साल में कितना दोगे 48 दोगे, तो 48 रुपए तो तुमने बस ब्याज ब्याज के रूप में लौटाए हैं, और जो 100 रुपए तुमने उधार के तुम 100 रुपए को दोगे, यानी तुम टोटल रेंट कितना दोगे 148 रुपए दोगे ब्याज प्लस मूलधन के साथ। मैं कितना दे रहा हूँ 148, और वो कितना कह रहा है 2442, तो मेरा 148 उसके 2442 के बराबर है, तो एक का मान क्या आएगा 2442/148, और इसलिए क्या मैंने माना क्या था, सोई तो माना था मैंने, तो बस 100 का मान क्या होगा, बस हो गया। दो से काट दो इसको, 2 से 4 से काट दो, 4 × 24 = 4, ये छोड़ो इसको काट दो, 4 से 25 बढ़ जाएगा, 4 से 4 = 12 37, जो भी इसको आप काट देना जो शायद आंसर आएगा मेरे हिसाब से कितना आएगा, चलो काट देते हैं, जो भी इसको कर लेना, सोल्व कर लेना, कैलकुलेशन कितना है इसका आंसर आपका आएगा 1650 या 1550 जो भी एज्यूम है, अरे हो गया ऐसे, जिसको ये समझ में नहीं आया कि 148 बराबर ये है तो 100 बराबर, देखो एक बात, मान लो एक व्यक्ति के 7 महीने की सैलरी है 700 रुपए, कितनी है 700, तो एक महीने कितनी आएगी 700/7 महीने कितनी आएगी, जब 7 का मान था 700, एक का मान क्या है 100, मैं पूछता हूँ कि उसके 9 महीने की सैलरी है तो 9 का मान क्या है 900, तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ 148 का मान ये था, इसे भी 1 बराबर, अरे से लेगा 100 बराबर, ठीक है चलो आगे, आगे एक क्वेश्चन आपका, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, वैसे 10 वर्षों में आप लिख लेना, 10 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। देखो जिसका भी वो काल ही है, जैसे ना उसने क्या कहा मूलधन का, उसने क्या कहा मूलधन का, तो जिसका भी वो काल कहेगा उसको हमेशा क्या मान लेंगे नीचे, यानी यहाँ पे मूलधन कितना है आपका, यहाँ पे आपका है मूलधन 5 रुपए और साधारण ब्याज क्या आपका 2 रुपए। देखो अगर इसको एक राइम आंसर में इसका एक राइम का आंसर, देखो 2/5 का क्या मतलब होता है, यानी देखो 5 रुपए पे 2 रुपए ब्याज मिला, और 2/5 का मतलब क्या होता है, 2/5 का मतलब क्या होता है, 2/5 का मतलब क्या होता है 40% होता है, 40% होता है, यानी आपको 10 वर्षों में कितना परसेंट मिला, आपको 10 वर्षों में मिला 40%, कितना मिला 40%, तो आपको एक साल में कितना मिला 40/10, यानी कितना मिला 4% मिला, जो आपको एक साल मिलता है आपकी दर तो होती है, यानी आपकी दर क्या आ गई 4% की बात कर रहा हूं, वरना तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसा ही बराबर क्या होता है प्रिंसिपल गुणा दर गुणा टाइम बटे क्या, सो आपको ऐसा ही कितना है, आपको ऐसा ही कितना मिला आपको 2 रुपए, आपको मूलधन कितना था 5 रुपए था, आपकी दर क्या थी, दर आपको फाइंड करनी है, पर आपका टाइम क्या था 10 साल था, गुणा 10/10 में क्या, सो 0, 0, 5, 2, 10, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
और ब्याज क्या है? दो रुपए। दो बटे पांच का मतलब क्या होता है? 40% होता है, यानी आपको 40% मिला 10 वर्ष में, तो आपको हर साल कितना मिला?
चार क्वेश्चन ये आप दिखाए और आप ऐसे भी कर सकते हो फॉर्मूले से, ठीक है। आगे देखिए, किस धन पर छह वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर होता है? कितने वर्षों में यह मूलधन के बराबर होगा? देखो क्या है क्वेश्चन कह रहा है, किस धन पर छह वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर होता है और कितने वर्षों में यह मूलधन के बराबर होगा? देखो उसने क्या कहा, मूलधन के 30% के बराबर, मूलधन के क्या 30% के बराबर साधारण ब्याज छह वर्षों में। अगर मेरा मूलधन यहां मान लो 100 रुपए था, कितना था मूलधन 100 रुपए था, तो तुमको ब्याज क्या मिला मूलधन का 30%, तो इसका 30% क्या होगा, जो भी परसेंट होता है 100 पे तो मतलब होता है 30%, तो यानी 100 पे क्या 30 रुपए पे कहता हूं 15%, तो मतलब कितना पे होता है 15 रुपए 100 पर, तो इसको कितने में मिला है भाई 30 मिले, और कितने वर्षों में मिले 6 वर्ष। अगर 30 रुपए उसको 6 वर्ष मिले तो उसको हर वर्ष कितना मिला है, उसको 5 मिले। अब उसने आगे क्या पूछा कि कितने वर्षों में यह मूलधन के बराबर हो जाएगा या होगा। अब देखो मेरा मूलधन कितना है 100 रुपए और उसको हर साल ब्याज कितना मिल रहा है 5, यानी वो ये कहता है कहना चाह रहा है कि जितना मेरा मूलधन है उतना मेरे को ब्याज कितने वर्षों में मिल जाएगा। अगर इसका मूलधन 100 रुपए इसको हर साल कितना मिल रहा है भाई 5 मिल रहा है, तो कितने वर्षों में 100 मिलेंगे 5 से डिवाइड करो यानी 20 × 5 तो कितने मिलेंगे 100, यानी कितने वर्षों में मिलेंगे 20। या तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, तुमको 100 रुपए चाहिए और हर वर्ष कितने मिल रहे हैं 5, तो कितने वर्षों में मिलेंगे 20 वर्षों मिलेंगे आपका आंसर होगा। आगे सर में आगे देखो, देखो ये कुछ क्वेश्चन है 4-5 इजी क्वेश्चन है बहुत। कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, इसी दर से यह धन कितने वर्षों में दोगुना होगा? ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है, कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है ब्याज की दर बता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन
पंद्रह वर्ष में दुगना हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आपके दोगुना तेरे मतलब देखो एक क्वेश्चन में कुछ नहीं उसने क्या कहा पहले क्वेश्चन में क्या है देखो अगर वो तुमको दर देगा तो तुमसे सम पूछेगा क्या पूछेगा समय और अगर वो आपको समय देगा तो वो आपसे दर पूछेगा। तो देखो उसने क्या कहा इस क्वेश्चन में कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्षों में क्या हो जाता है तिगुना हो जाता है। मान लो कोई धन अगर 100 रुपए था कितना था 100 तो कितना हो गया आपका तिगुना यानी कितना हो गया 300 तो जो आपका मूलधन 100 रुपए था वो कितना हो गया आपका मिश्रधन कितना हो गया 300 तो जिसका गैप हो गया कितना है 200 रुपए जो आपका प्रिंसिपल 100 रुपए था वो कितना हो गया 300 तो आपको इसमें ब्याज कितना मिला 200 ब्याज तो मिला और इसको तिगुना होने में कितने वर्ष लग गए 20 वर्ष लग गए यानी 200 रुपए आपको मिले हैं। अब देखो सच में यहां पे क्या दिया है टाइम दिया है तो क्या निकलेगी दर निकलेगी। अगर 200 मिला 20 वर्ष में तो हर साल कितना मिला भाई 20 का था यानी आपकी यहां पे दर क्या आ गई 10% आ गई। और उसने आगे पूछा उसने आगे क्या कहा इसी दर से यह धन कितने वर्षों में क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा यानी 100 रुपए से कितना करना चाह रहा है इसको 200 करना चाह रहा है ये तो मतलब वो दुगना हो जाएगा यानी 100 से कितना हो जाएगा 200 तो इसको ब्याज कितना चाहिए ब्याज इसको 100 ही तो चाहिए। अगर इसको 10% मिल रहा है एक साल में तो 100% मिलने में कितने वर्ष लग जाएंगे सिंपल सी बात है। इस बार उसने आपको क्या दे दी इस बार तो आपको दर पता था सब पूछ रहे हैं तो समय बराबर क्या हो जाएगा दर बटे दर कितनी है सॉरी 100 बटे दर कितनी है 10 है तो कितने वर्ष लग जाएंगे इसको 10 वर्ष लग जाएंगे। बात पर देखो इसका एक डायरेक्ट चलेगा कुछ नहीं करना तुम्हें। देखो अगर वो तुमसे कहता है तिगुना तो तुम रखो 200 वो कहता है दुगुना तो तुम रखो ऊपर 100 वो कहता है चार गुना तो तुम ऊपर रखो 300 यानी यहां पे से क्या रखना है 100 कम रखना है। अब इसने यहां पे क्या कहा तिगुना अब जब वो कह रहा है तिगुना तो ऊपर क्या आएगा भाई ऊपर क्या आएगा तिगुना यानी ऊपर क्या आएगा 200 उसने तुमको टाइम दे रखा है तो क्या निकल के आएगी आपकी दर आएगी क्या जाएगी आपकी बटे 20 करोगे तो आपकी दर क्या आ गई 10% आ गई सलमान है। अब उसने आगे क्या कहा कितने वर्ष में क्या हो जाएगा दुगना और जब उसने कहा दुगना तो ऊपर क्या आएगा फिर 100 कम कर दो ऊपर क्या आएगा 100 आएगा और तुम्हारे पास दर तो आपकी है ही 10/10 तो यहां पे कितने वर्ष लग जाएंगे इसको 10 साल लग जाएंगे। आपका आंसर है बात खत्म समझ आ गया। अब आगे देखो दूसरा क्वेश्चन उसने क्या कहा दूसरे क्वेश्चन में कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में क्या हो जाता है तिगुना उसने क्या कहा तिगुना उसने क्या दे दिया समय दे दिया तो आपकी दर क्या निकल जाएगी दर क्या आएगी आप रिटर्न में। अब जब उसने कहा तिगुना तो ऊपर क्या आएगा 200 अभी पीछे क्या आएगा 10 वर्ष तो यहां पर दर क्या जाएगी आपकी 20% यहां पर क्या होगा आंसर होगा। अगर वो समय क्या है ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्ष में क्या हो जाएगा दुगुना और जब उसने कहा दुगुना तो ऊपर क्या आएगा 100 नीचे क्या आएगा 15। अब देखिए टाइम दे रखा है उसने तो क्या निकल के आएगी यहां से दर अगर वो तुमको दर देगा तो टाइम पूछेगा टाइम देगा तो दर पूछेगा सदैव। देखो 5 किया 15 5 से आपका 20 बार 20 बटे 3 3 6 18 6 सही 2 बटे 3% आपकी दर हो जाएगी। बात आएगा समझ में वो कहेगा दुगना तो ऊपर रखना 100 वो कहेगा चार गुना ऊपर रखना 300 यानी हमेशा क्या रखना है 100 कम रखना है। टाइम देगा तो दर पूछेगा दर देगा तो टाइम पूछेगा और उसे करना ठीक है ना आएगा 200 8 गुना आएगा तो 700 यानी सदैव रखना है 100 कम रखना है ठीक है। आगे देखिए तो दो तीन क्वेश्चन हैं देखो क्वेश्चन आपका है वह कौन सा धन है जिस पर 5% वार्षिक दर से
एक दिन का साधारण ब्याज ₹1 होगा। देखो ये क्वेश्चन है, अब मुझे एक बात बताओ, उसने क्या पूछा, वह कौन सा धन है जिस पर 5% वार्षिक दर से एक दिन का साधारण ब्याज क्या होगा ₹1 होगा। तो तुम मुझे एक बात बताओ, वो क्या कह रहा है 5% वार्षिक है, यानी उसको ₹100 पर ₹500 मिलेंगे एक दिन, ये तो कहना चाह रहा हूं। अब उसने आगे क्या कहा, एक दिन का उसको कितना मिलना है ₹1 मिलना है। मान लो अगर मेरा मूलधन यहाँ पे कितना था ₹100 था, तो तुमको एक साल इसका 5% तो मिलेगा, इसका 5% क्या होगा ₹5 आएगा, यानी कितना मिलेगा आपको इसका 5%, ये आ गया आपका एक साल में आपको मिलेगा ₹5। पर उसने क्या कहा है उसको एक दिन में कितना मिलना है ₹1 मिलना है। तो तुम ये बताओ अगर एक दिन में ₹1 मिल रहा है तो एक साल में कितने दिन होते हैं 365, तो 365 दिन में कितना मिलेगा 365 मिलेगा, यानी उसको एक साल में मिलेगा 365 रुपए, क्योंकि एक दिन में एक मतलब 365 दिन, तो एक साल में, तो एक साल में कितना मिलेगा 365 रुपए तो मिलेंगे, और उसके यहाँ पे कितना मिला एक एक साल में ₹5, तो इस 5 का मान कितना है 365, तो एक का मान क्या आएगा 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 15, मैंने प्रिंसिपल कितना माना था अपना 100, तो 100 का मान क्या आएगा, खैर तब से ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका मूलधन कितना था 7300। सपोज करो उसने यहाँ पे कहा एक दिन का ₹1 था, एक दिन का मान लो साल में उनको कहते हैं ₹1 कितना था ₹2 थे, कितना था, तो अगर उसको रोज मिलने हैं ₹2 तो 365 दिन में कितने मिलेंगे उसको 730, कितने मिलेंगे 730, फिर 5 ही कंपेयर किससे होती 730 से होती, इसीलिए एक का मान इसीलिए क्या 100 का मान निकलेगा, एक कह दो कह दो तीन कह दो जितना निकालेगा। ठीक चलो आज रखते हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।